हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सभी के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए तो बहुत सारे स्टूडेंट वही सोच रहे हैं कि अगर हमें कनाडा जाना है तो इन 2023 कनाडा के अंदर कौन कौन से डिमांडिंग कोर्स है जिसके ऊपर आप एडमिशन लेके आपका करियर कनाडा कंट्री में ग्रो कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो मैं आपको पूरे चार अलग अलग फील्ड के बारे में बताने वाली हूँ कि चारों फील्ड के अंदर अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें से कोई भी एक कोर्स लेके आप आपका करियर कनाडा में डेवलप कर सकते हो। तो ये चार कोर्स के लिस्ट यहाँ पे है। सबसे पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हेल्थ एंड लाइफ साइंस स्टूडेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, राइट। सो ये चारों कोर्सेज जो है, चारों कोर्सेज के अंदर सब कोर्सेज है, यानी ये चारों अलग अलग फील्ड हो गई जिसके अंदर कनाडा में डिमांडिंग ये चारों फील्ड की है। और उसके अंदर छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिसको लेके आप आपका करियर बना सकते हो, आपके गोल सेट कर सकते हो और आपको जहाँ पे इंटरेस्ट है कि आपको ये स्टडी करनी है वो आराम से सिलेक्ट करके कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ डिमांडिंग प्रोग्राम्स फॉर जनवरी इंटेक, सबसे पहला है प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सिस्टम, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनमें से कोई भी एक कोर्स को आप एडमिशन लेके आपका करियर बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हेल्थ केयर एंड नर्सिंग इंडस्ट्री। कनाडा की 11% ऑफ GDP हेल्थ केयर इंडस्ट्री की वजह से ग्रो हो रही है। तो अगर आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना है और आपको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ कभी शॉर्टेज हमेशा रहती है और कहीं ना कहीं उनकी डिमांड हाई लेवल पर रहती है, तो कनाडा जैसी कंट्री में तो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग होती है। तो जिनके कोर्सेज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, एडिक्शंस, मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मसाज थेरापी, बायोटेक, हेल्थ एनालिसिस, नर्सिंग, फार्मेसी, लेबोरेटरी साइंस, ऐसे काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो कोर्सेज आप लेके आपका करियर बना सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड वन कोर्सेज। थर्ड वन जो कोर्स और फील्ड है वो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी उनका बिजनेस और मैनेजमेंट ही कोर्स का सिलेक्शन रहता है। उसका रीज़न ऐसा है कि बिजनेस और मैनेजमेंट ऐसा है कि स्टूडेंट को ईजिली समझ में आ जाता है, उनका जो भी कोर्स होता है, कोर्स का जो पी करिकुलम होता है वो ईजिली उनको समझ में आ जाता है, मार्केट के साथ ईजिली वो केस स्टडी बेस्ड समझ सकते हैं और उसको ग्रो करने में भी इजी हो जाता है। और 50 कोर्सेज में से 15 प्लस डिमांडिंग कोर्सेज बिजनेस और मैनेजमेंट के ही रहते हैं, जिसमें एनरोल होने के बाद जो भी स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उनके पास लार्ज लेवल पे अपॉर्चुनिटी होती है कि हर सेगमेंट के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट होता ही होता है, जिसके अंदर वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके उनका करियर ग्रो कर सकते हैं। तो इनके अंदर आपको अगर कनाडा में एडमिशन्स लेने हैं तो उनके कोर्सेज के लिस्ट ये रहे। सबसे पहला है अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इवेंट मैनेजमेंट, HR, रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए। तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर आप कोई भी एक कोर्सेज को लेके आपका जो भी करियर है उसको डेवलप कर सकते हो। अब हम लास्ट बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी प्रोग्राम्स के बारे में। आर्ट्स सभी को पता होता है कि आपके पास जो भी आर्ट है उसको ग्रो करने के लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ स्टडी करनी रहती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपना आर्ट और जो भी ह्यूमैनिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ यही स्टूडेंट मैनेजमेंट और बिजनेस में भी काफ़ी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे कि बैक ऑफिस का है या फिर ऑफिस के रिलेटेड जितने भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती है वो उनके लिए एक विन विन कंडीशन हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ आर्ट्स वाले काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते जो बिजनेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के काफ़ी कोर्सेज के अंदर खुद को करियर के अंदर ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको जाना है कि आर्ट में आपको लगता है कि आपको आर्ट करियर बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताती हूँ। अगर हम आर्ट के कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहला है एनिमेशन, उसके बाद है क्रिमिनल जस्टिस, फैशन, चाइल्ड एंड यूथ केयर, सोशल सर्विसेज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसे काफ़ी कोर्सेज है जिसको लेके आप आपका करियर वहाँ पर बना सकते हो।
सो जब भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो बहुत बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि रॉन्ग टाइम पे वो अप्लाई करते हैं, तो जब भी आप जनवरी इंटेक के लिए अप्लाई करते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट सितंबर इंटेक मिस कर चुके होंगे या बहुत कम शॉर्टेस्ट टाइम में आपको एडमिशन लेना होता है तो एडमिशन्स फुल हो जाता है, एज हमारे जो भी आगे के वीडियोस हैं यहाँ पे आई बटन में दिखाई देगा कि सितंबर इंटेक का कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी इंटेक होती है जिसके अंदर आपको हर टाइप के कोर्सेज की अवेलेबिलिटी मिल जाती है और एडमिशन आप ले सकते हो आपके मनपसंद कोर्सेज के अंदर। बट अगर आप जनवरी इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो इन 2023, दैट टाइम आपके पास लिमिटेशन हो जाएगा। बट हाँ, अभी राइट टाइम है आपको एप्लीकेशंस प्रॉपर तरीके से वन बाय वन स्टेप को फॉलो करके करना पड़ेगा कि आप अभी तक आपने IELTS नहीं ली है तो IELTS के कोचिंग स्टार्ट कर दो, उसके बाद आपके जो भी करिकुलर की एक्टिविटीज़ है, आपके SOP है, LOR है वगैरह भी पैरेलली आप रेडी करना स्टार्ट कर दो, मीनवाइल आपके कोर्सेज भी सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि अगर आपको IT सेक्टर में कनाडा में ग्रो होना है तो कनाडा के अंदर टोरंटो इज द थर्ड लार्जेस्ट IT हब इन नॉर्थन अमेरिका, जहाँ पे आप आपकी IT का करियर पूरा ग्रो कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और कनाडा इज नावल टॉप मोस्ट ग्रोइंग कंट्री, जहाँ पे आप इजीली एज अ स्टडी लाइफ आपकी कर सकते हो, आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी और आपको आगे वहाँ पे परमानेंट करना होता है तो आपके लिए और भी इजी रास्ते हो जाएंगे। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि चार अलग अलग फील्ड है, उसके अंदर अलग अलग कोर्सेज है, जो कोर्सेज को लेके आप आपका पूरा करियर कनाडा कंट्री में बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, देर मत करो, चालू करो IELTS क्लास और जितना जल्दी हो जाए इतना आपकी एप्लीकेशन फाइल करना स्टार्ट कर दो ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए। सो आज के वीडियो में इतना ही। आपको और कुछ कनाडा के लिए कोई भी डिटेल्स या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। एंड तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।